Today we will do chapter outcomes of democracy. First of all, start with this topic. What is democracy? Its two types and its features. So what is democracy? Yesterday I've told you the outlines. Now today listen and then you can do these topics in your copy. Aap apne aap bhi frame karke apne copy mein likh sakte ho. Depend upon your wish how to write. You can also take help from your book. तो आपको ये इन नाइन्थ क्लास यू हैव रेड दिस टॉपिक आल्सो व्हाट इज डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर्स आर इन द हैंड्स ऑफ पीपल. तो अब्राहम लिंकन की आप यहाँ पे लिख सकते हो कि कोटेशन की अब्राहम लिंकन ने क्या बोला था. इट इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल. लोगों की सरकार लोगों ने बनाई लोगों के लिए. ठीक है तो आप कह सकते हो कि इट इज ऑफ टू टाइप्स. लिसन अगेन. डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर्स आर इन द हैंड्स ऑफ पीपल. इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर्स आर इन द हैंड्स ऑफ पीपल. फिर आप अब्राहम लिंकन के बारे में बताओगे. इट इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल. इट इज ऑफ टू टाइप्स. टू टाइप्स कौन सी हैं? डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड देन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी. जब आपने इनडायरेक्ट लिखना है साथ में आप ब्रैकेट में लिखोगे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. बिकॉज कई बार पूछ लेते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के बारे में बताओ या फिर डायरेक्ट डेमोक्रेसी के बारे में बताओ. तो यू हैव नॉलेज डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड देन यू विल राइट इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी. जहां पे आपने इनडायरेक्ट लिखना है वहीं पे आप लिखोगे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. इनडायरेक्ट एंड रिप्रेजेंटेटिव एक ही बात है. इज इट क्लियर? अब आप लिखोगे डायरेक्ट डेमोक्रेसी में आप बता दोगे कि इन दिस रिप्रेजेंटेटिव्स आर नॉट इलेक्टेड. डिसीजंस आर टेकन कलेक्टिवली इन द जनरल मीटिंग्स एंड इट इज फाउंड इन स्मॉल सिटी स्टेट्स सच एज इन द कैंटन्स ऑफ स्विट्जरलैंड. इन प्रीवियस चैप्टर यू हैव रेड द पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ स्विट्जरलैंड. आपने पॉलिटिकल डिविजन्स पढ़ी थी हैब्सबर्ग एम्पायर में शायद, है ना. तो वहां पे आपने पढ़ा होगा कि पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ स्विट्जरलैंड इज नोन एज कैंटन्स. तो इट इज फाउंड इन द कैंटन्स ऑफ स्विट्जरलैंड. लिसन अगेन. डायरेक्ट डेमोक्रेसी इन दिस रिप्रेजेंटेटिव्स आर नॉट इलेक्टेड. कलेक्टिव डिसीजंस आर टेकन इन द मीटिंग्स ऑफ जनरल असेंबली. फिर आप बता सकते हो कि इट इज फाउंड इन स्मॉल सिटी स्टेट्स such as in the cantons of Switzerland. Now is it clear? अब आप बताओगे indirect democracy. First, what is democracy? It's two types. अब types में मैंने अभी बोला direct democracy. So come to indirect democracy, जिसे हम representative democracy भी कहते हैं. So in this you will write, in this representatives are elected by people and those representatives take decisions according to the wishes of the people on the behalf of the people. In this, in indirect democracy, क्योंकि इसको हम representative भी कहते हैं ना, तो you can write like this. In this, representatives are elected by people and those representatives take decisions according to the wishes of people and on the behalf of the people. It is found in big countries such as in India. क्योंकि पॉपुलेटेड कंट्रीज में एंड बिग कंट्रीज में नॉट पॉसिबल टू टेक कलेक्टिव टेक डिसीजंस कलेक्टिवली. तो इट इज फाउंड इन बिग कंट्रीज लाइक इंडिया. इंडिया में हमारे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है. तो आई थिंक इट इज क्लियर टू यू व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड इट्स टू टाइप्स डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. डायरेक्ट में रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट नहीं होते. Decisions are taken collectively in the meeting of General Assembly and it is found in the small city states such as in the cantons of Switzerland. Canton, political division of Switzerland. For example, India ki states hai, to Switzerland ki cantons hai. Next, representative democracy. To isme aap bataoge, it is found in the, in this, first of all, to you will tell ki in this representatives are elected by people through elections. And those representatives take decisions on the behalf of the people according to the wishes of the people. लोगों के बिहाफ पे decision कौन लेते हैं? Representatives. क्योंकि population ज्यादा होती है तो it's not possible to take collective decisions.
डिसीजंस कलेक्टिवली तो नहीं लिए जाते, दैट्स व्हाई इट इज, फिर आप कह सकते हो इट इज फाउंड इन बिग कंट्रीज एंड पॉपुलेटेड कंट्रीज सच एज इन इंडिया. नो इज इट क्लियर? नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी. आई थिंक यू ऑल्सो हैव रेड इन नाइन्थ, फीचर्स भी आप नाइन्थ में पढ़ के आए हो, एंड इन दिस चैप्टर यू विल रीड फीचर्स इन डिटेल. तो इस लेसन में भी जब आप ये लेसन कर लोगे फीचर्स आपको तब भी मिल जाएंगे. ठीक है, नो लिसन बट पॉइंट्स यू कैन राइट इन दिस टॉपिक फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी. तो फर्स्ट फीचर आप इलेक्शन को एक्सप्लेन कर दोगे. ठीक है, फर्स्ट फीचर में आप इलेक्शन टॉपिक को एक्सप्लेन कर दोगे. इलेक्शन, इसमें आप बताओगे इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज इलेक्शंस आर हेल्ड आफ्टर फिक्स्ड टेन्योर. ये उसका फीचर है, फिक्स्ड टेन्योर पे इलेक्शन होने ही होते हैं. कभी भी गवर्नमेंट इलेक्शन को डिले नहीं कर सकती कि नहीं इस बार कोरोना है तो चलो इलेक्शन आगे कर दो. नो, इलेक्शन चाहे कैसे भी है होने ही होते हैं. तो आप ये बताओगे इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज इलेक्शंस आर हेल्ड आफ्टर फिक्स्ड टेन्योर. फिर आप इसी में बताओगे थ्रू इलेक्शंस रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड एंड दोज रिप्रेजेंटेटिव्स work according to the wishes of people and on the behalf of the people. तो इस वजह से आप ये इलेक्शन वाला टॉपिक लिखोगे और साथ में बताओगे इलेक्शंस मेक रिप्रेजेंटेटिव्स आंसरेबल बिकॉज रिप्रेजेंटेटिव्स हैव टू फेस पीपल इन द नेक्स्ट इलेक्शन. इलेक्शंस ही हैं जो गवर्नमेंट को अकाउंटेबल रखते हैं, आंसरेबल रखते हैं. इलेक्शंस ही रिप्रेजेंटेटिव्स को फोर्स करते हैं कि वो अच्छा काम करें, वर्क according to the wishes of the people, क्योंकि representatives have to face people in the next elections. आप इस point को कैसे भी लिख सकते हो, depend upon your wish. आपने election topic को cover करना है कि democratic countries में election fixed tenure पे होते हैं, government can never postpone the election, कभी भी उसे postpone नहीं कर सकती. जैसे कि ninth में शायद आपने एक topic पढ़ा होगा Pinochet वाला, कि वो इलेक्शंस को पोस्टपोन कर देता है, 17 इयर्स तक इलेक्शंस नहीं करवाता अपनी कंट्री में. तो 17 इयर्स तक इलेक्शंस ही नहीं करवाता मींस वो डिक्टेटरियल गवर्नमेंट होती है वहां पे, तो वो नहीं करवाता इलेक्शन. वेयर एज इन डेमोक्रेसी आप कहोगे इलेक्शंस आर हेल्ड आफ्टर फिक्स्ड टेन्योर. तो आपको पिनोशा लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना ही बताना है कि इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज इलेक्शंस आर हेल्ड आफ्टर फिक्स्ड टेन्योर, गवर्नमेंट कांट पोस्टपोन द इलेक्शंस, कभी भी पोस्टपोन नहीं कर सकती. फिर आप ये कहोगे थ्रू इलेक्शंस रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड एंड दे वर्क ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल. इलेक्शंस मेक द रिप्रेजेंटेटिव्स अकाउंटेबल बिकॉज रिप्रेजेंटेटिव्स हैव टू फेस पीपल इन द नेक्स्ट इलेक्शन. तो इट डिपेंड्स अपॉन योर विश हाउ टू राइट इलेक्शन वाला टॉपिक आपने कैसे लिखना है. आप इसमें ये पॉइंट्स भी लिख सकते हो, पीपल हु आर एट द एज ऑफ 25 कैन कंटेस्ट फॉर इलेक्शन and people who are at the age of 18 have given right to vote, but ye constitution ke features ho jayenge. Aap election topic ko democracy ke according likhoge, theek hai. next aap feature bana doge civil liberties. second feature mein aap ye bata doge. अब इसमें आप बताओगे इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज वेरियस सिविल लिबर्टीज आर गिवन टू द सिटीजन्स. फॉर एग्जांपल वेरियस फंडामेंटल राइट्स आर गिवन टू द सिटीजन्स. ठीक है, पीपल हैव फुल राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल एसोसिएशंस. आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था पॉलिटिकल पार्टीज में कि पीपल हैव राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टी, दे कैन ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी, दे कैन क्विट पार्टी. तो आप ये इसमें लिख सकते हो सिविल लिबर्टीज में, इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज वेरियस सिविल लिबर्टीज आर गिवन टू द सिटीजन्स. फिर आप साथ में बताओगे वेरियस फंडामेंटल राइट्स आर गिवन टू द सिटीजन्स एंड पीपल कैन आल्सो फॉर्म पॉलिटिकल एसोसिएशंस, पॉलिटिकल पार्टीज, दे कैन ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी. तो ये च्वाइस दी हुई है लोगों को, वेरियस सिविल लिबर्टीज आर गिवन टू द पीपल इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज. तो आप सिविल लिबर्टीज वाला टॉपिक एक्सप्लेन कर दोगे. इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू एक्सप्लेन इलेक्शन, देन सिविल लिबर्टीज. ये आपको टॉपिक पूरी तरह से आपको लर्न होने चाहिए, आपको इसको अंडरस्टैंडिंग के साथ करना. अगर ये आएंगे तो यू कैन डू दिस क्वेश्चन व्हाई इट इज बेटर देन इट्स अल्टरनेटिव्स, कि डेमोक्रेसी क्यों अपनी दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बेस्ट है. ठीक है, अगर ये नहीं आएगा तो आप ये नहीं कर पाओगे. नेक्स्ट, थर्ड में आप बता दोगे इंडिपेंडेंट जुडिशरी
सिर्फ आपको हेडिंग पता होनी चाहिए एंड यू कैन एक्सप्लेन योर सेल्फ. आपको कहीं से क्रैम नहीं करना, यू कैन एक्सप्लेन योर सेल्फ. इंडिपेंडेंट जुडिशरी, अब इसमें आप क्या बता सकते हो? आप ये टॉपिक आप 8 से पढ़ते आ रहे हो कि इंडिया में जुडिशरी इज टोटली इंडिपेंडेंट, तो यहाँ पे आपको 2-3 लाइन्स लिखनी है, दैट इज नॉट टफ. तो आपने क्या लिखना है? इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज जुडिशरी इज टोटली इंडिपेंडेंट. 9th में तो वैसे ही आपने डिटेल में पढ़ा है, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस चैप्टर में जुडिशरी टॉपिक आपने बहुत डिटेल में पढ़ा होगा, तो उसको आपने शॉर्ट में करके लिखना है. In democratic countries, judiciary is totally independent. Democratic countries की बात कर रही हूँ मैं, because we are doing features of democracy. In democratic countries, judiciary is totally independent. It is not under the control of legislature and executive. It is not under the control of ruling party. It is not under the control of ruling party, president, prime minister. किसी के भी अंडर नहीं है. जजेस कैन टेक देयर डिसीजंस इंडिपेंडेंटली इन एन इंडिपेंडेंट वे विदाउट एनी आउटर प्रेशर. जजेस कैन टेक देयर डिसीजंस, जो हमारी कंट्रीज में जजेस कैन टेक देयर डिसीजंस इन एन इंडिपेंडेंट वे विदाउट एनी आउटर प्रेशर. उनके ऊपर कोई आउटर प्रेशर नहीं होता. तो इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज जुडिशरी इज टोटली इंडिपेंडेंट. I think this point is also clear to you. Independent judiciary. Next, आप लिख सकते हो accountable, responsive and legitimate government. बाद में इस टॉपिक को हमने वैसे डिटेल में भी करना है, बट हियर हाउ टू राइट. इसमें इतना बड़ा डिटेल में लिखोगे तो ये खुद ही इतना बड़ा आंसर हो जाएगा. नो, यहाँ पे आपने इसे शॉर्ट करके लिखना है. अगर आपको फीचर्स में ही आता है क्वेश्चन तो आपको इसको शॉर्ट कर लेना है. अकाउंटेबल, रेस्पॉन्सिबल एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट. आप ऐसे लिखोगे डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल, इट इज आंसरेबल, रेस्पॉन्सिव, इट टेक रेस्पॉन्सिव डिसीजंस एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिसीजंस टेकन बाय इट. And in democracy, rulers are elected by people. Legitimate का meaning है rulers are elected by people. It is accountable, means answerable to the people. It takes responsive decisions. It is responsible for the decisions taken by it. And in democratic countries, rulers मैं representatives को ही बोल रही हूँ. या रिप्रेजेंटेटिव्स आप रूलर्स भी लिख सकते हो. इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल. नो, इज इट क्लियर? इतना सा आपने इसमें लिखना है. यहाँ पे आपको इसको डिटेल में नहीं करना, बाद में इसको डिटेल में करेंगे. नेक्स्ट, टू प्रमोट डिग्निटी of its citizens, to promote the dignity of its citizens. अब आप इसको लिखोगे, आप कहोगे democratic government promote the dignity of its, dignity means respect. Democratic government promote the dignity of its citizens by giving them equal rights. Democratic government promote the dignity of its citizens by giving them equal rights. There is no, yahan pe simple aap bataoge, there is no discrimination on the basis of caste, religion, language, gender. Bas itna sa bata doge yahan pe. Democratic government promote the dignity of its citizens by giving them equal rights. There is no discrimination on the basis of religion, caste, language, color and gender. There is no discrimination on the basis of gender, religion, caste, color and language. I think 5 features are clear to you. Aur bhi book mein aur bhi aapko features aayenge. For example, accommodate diversity, to aap us feature ko bhi yahan pe laake likh sakte ho. It accommodates diversity. ठीक है, आप इस वे से भी, और इसको और इजी बताऊं,
जिनकी लर्निंग पावर थोड़ी कम है, हाउ टू लर्न फर्स्ट इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज इलेक्शंस आर हेल्ड आफ्टर फिक्स्ड शेड्यूल, गवर्नमेंट कांट पोस्टपोन द इलेक्शंस. इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज वेरियस सिविल लिबर्टीज आर गिवन टू द सिटीजंस, फॉर एग्जांपल दे एंजॉय वेरियस फंडामेंटल राइट्स. इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज जुडिशरी इज टोटली इंडिपेंडेंट. सिंपल पॉइंट्स बनाते जाने हैं फिर. जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट, जजेस कैन गिव देयर डिसीजंस इन एन इंडिपेंडेंट वे, देयर इज नो आउटर प्रेशर ऑन देम. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट प्रमोट द डिग्निटी ऑफ इट्स सिटीजंस बाय गिविंग देम इक्वल राइट्स. तो आप इस वे से भी इस आंसर को लिख सकते हो, आप और इजी कर सकते हो, डिपेंड अपॉन योर विश. जिसको जैसे लर्न करना है वो वैसे ही करें. नेक्स्ट, why it is better than its alternatives. क्यों ये alternatives means other form of government, उनसे better क्यों है. why democratic government is better than its alternatives. और ये बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है ये वाला, why democracy is better than its alternatives. तो इसमें आप बताओगे कि democratic government is better than its alternatives. इट इज द बेस्ट फॉर्म. पहले तो आप इंट्रोडक्शन बताते जाओगे, इट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, देर इज नो बेटर गवर्नमेंट देन डेमोक्रेसी. ठीक है, फिर आप बताओगे टूडे ओनली 1/4 वर्ल्ड इज नॉन डेमोक्रेटिक, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हैज बिकम डेमोक्रेटिक. अगर वर्ल्ड डेमोक्रेटिक बनी जा रहा है मीन्स कुछ बात होएगी ना गवर्नमेंट में, तभी कंट्रीज इसी को ऑप्ट कर रही है, डेमोक्रेसी बन रही है, उनका स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, मोनार्की से वो डेमोक्रेटिक बन रही है, डिक्टेटरियल से वो डेमोक्रेटिक बन रही है, बिकॉज इट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, देर इज नो बेटर ऑप्शन देन डेमोक्रेसी. अब आपकी मर्जी, आप इसको इंट्रोडक्शन कैसे देते हो. आप कहोगे कि डेमोक्रेसी इज बेटर देन इट्स ऑल्टरनेटिव्स बिकॉज इट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, देर इज नो बेटर ऑप्शन देन डेमोक्रेसी, इससे बेटर ऑप्शन ही नहीं है. ठीक है, फिर आप कहोगे टूडे ओनली 1/4 वर्ल्ड is non-democratic, rest of the world has become democratic because it is the best form of government. Phir aap bataoge, here we can give some examples to justify this statement that why it is better. Phir aap ye batate jaoge. First of all, you will write in democratic countries elections are held after fixed tenure, whereas in monarchy or in dictatorial form of government depends upon the wish of dictator to conduct the election or not. ठीक है, नेक्स्ट, इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज वेरियस सिविल लिबर्टीज आर गिवन. मैंने कहा था ना ये क्वेश्चन आएगा तभी आप इसको कर पाओगे. इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज वेरियस सिविल लिबर्टीज आर गिवन टू द सिटीजंस, वेयर एज इन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वेयर एज इन अदर फॉर्म मीन्स ऑल्टरनेटिव, वेयर एज इन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट डिपेंड्स अपॉन द विश ऑफ डिक्टेटर और मोनार्क टू गिव सिविल लिबर्टीज टू द पीपल और नॉट. डेमोक्रेसी में तो गवर्नमेंट हमें सिविल लिबर्टीज देती है, वेयर एज इन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो तो मोनार्की या डिक्टेटर की मर्जी होती है वो लोगों को सिविल लिबर्टीज दे चाहे ना दे. फॉर एग्जाम्पल, एक मिनट, आपने 9th में जर्मनी चैप्टर पढ़ा था, ठीक है, और जर्मनी में आपने विम्बर रिपब्लिक के बारे में पढ़ा था. विम्बर रिपब्लिक जैसे ही आती है तो एक तरह से वो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाती है. ठीक है, तो विम्बर रिपब्लिक लोगों को सिविल लिबर्टीज देती है. Various civil liberties were given by Weimar Republic to the people of Germany. But Germany के जो लोग थे ना, they were not in favor of democracy. वो dictatorial form of government चाहते थे, वो एक strong leader के अंदर रहना चाहते थे. क्योंकि Germany की तब poor condition थी ना, कि first world war में हारा था जब. तो Germany में क्या हुआ, जब Hitler आया तो Hitler dictatorial form of government लाया. सबसे पहले उसने आते ही लोगों की सिविल लिबर्टीज छीन ली थी. हिटलर ने आते ही सिविल लिबर्टीज जो लोगों को विम्बर रिपब्लिक ने दी थी ना, हिटलर सस्पेंडेड दो सिविल लिबर्टीज, आते ही उसने सिविल लिबर्टीज को सस्पेंड कर दिया था, लोगों को नहीं दी थी उसने. इट मींस हिटलर की मर्जी, क्योंकि वो क्या था, डिक्टेटर. वेयर एज विम्बर रिपब्लिक वो तो लेके आई थी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, उसने तो लोगों को क्या दी थी, सिविल लिबर्टीज. तो अपने आप समझ जाओ यहाँ पे कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज में वेरियस सिविल लिबर्टीज आर गिवन टू द सिटीजंस, वेयर एज इन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इट डिपेंड्स अपॉन द विश ऑफ डिक्टेटर और मोनार्क टू गिव सिविल लिबर्टीज टू द पीपल और नॉट. फॉर एग्जांपल, सऊदी अरेबिया में आप देखो लोगों को प्रॉपर सिविल लिबर्टीज नहीं दी हुई, वुमेन के वोट की वैल्यू कम रखी हुई है. ठीक है, काफी प्रॉब्लम्स है वहाँ पे. जो दूसरे रिलीजन के लोग हैं अपने, दे आर नॉट अलाउड टू फॉलो देयर रिलीजियस रिचुअल्स जो भी होती हैं पब्लिकली,
दे हैव टू फॉलो देम इन सीक्रेसी. तो हमारे यहाँ पे तो कुछ भी होता है, कोई भी रिलीजन, चाहे वो क्रिसमस है, चाहे वो गुरुपूरब है, चाहे वो जन्माष्टमी है, तो हर एक को, चाहे वो ईद है, तो हर एक को हम लोग प्रॉपर वे से सेलिब्रेट करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, बिकॉज वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी. तो सिविल लिबर्टीज नहीं दी हुई नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज. ठीक, नेक्स्ट, इंडिपेंडेंट जुडिशरी. इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट. Judges can take their decisions in an independent way, whereas in other form of government, decisions of judges can be changed by, आप कह सकते हो, dictator or monarch. Judges के decisions को change कर दिया जाता है. Dictator या monarch जो भी होते हैं वो judges के decisions को change कर देते हैं. Whereas in democratic countries, judges के decision को कोई भी change नहीं कर सकता. In democratic countries, all are equal before law. Whereas in non-democratic countries, all are not equal before law. To promote the dignity of citizens, in democratic countries, democratic government promote the dignity of its citizens by giving them equal rights. Whereas in non-democratic countries, आप कह सकते हो कि sometimes no equal rights are given to the पीपल, लोगों को इक्वल राइट्स नहीं दिए होते. फिर आप यहाँ पे कहोगे कि आप कह सकते हो कि रिलीजियस फ्रीडम इज नॉट गिवन टू द पीपल, कई बार लोगों को रिलीजियस फ्रीडम नहीं दी होती. तो फिर आप कह सकते हो कि वुमेन को राइट्स नहीं दिए होते. सऊदी अरेबिया में कहाँ वुमेन के पास राइट्स हैं. तो आप कह सकते हो कि नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज राइट्स आर नॉट गिवन इक्वली टू ऑल, सबको इक्वल राइट्स नहीं दिए हुए. वेयर एज इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज इक्वल राइट्स आर गिवन टू द सिटीजंस. Equal rights देती है, it promote the dignity of its citizens. ठीक है, तो इस वे से आप कहोगे it is the better form of government, it is best than its alternatives. ये सब अपनी alternative से, other form of government से best है. तो is it clear? I'm going to repeat it again. First आप election, पहले तो आप यही बताओगे कि it is the best form of government, there is no better option than democracy. Today only 1/4 world is non-democratic, rest of the world has become democratic because it is the best form of government, there is no better option than democracy. फिर आप बताओगे by giving these features one by one, election को आप compare करोगे, civil liberties को compare कर दोगे, depend upon your wish आपने कैसे करना है. चाहे बच्चा इसको सऊदी उसकी example देके करे, आपकी मर्जी है. ठीक है, तो आप चाहे एग्जाम्पल दे देके करो, डिपेंड अपॉन योर विश. नहीं एग्जाम्पल देनी, आप सिंपल इसको कवर करो, इंडिपेंडेंट जुडिशरी. आप सिंपल लिखो वेयर इज इन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, आप ऐसे लिख सकते हो. अदर फॉर्म मींस नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज, डिक्टेटरियल और मोनार्की कोई भी हो सकती है. ठीक है, जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं है. फिर आप कहोगे प्रमोट द डिग्निटी ऑफ इट्स. हाँ, एक और आप कह सकते हो, टू क्रिटिसाइज द फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट, ये भी कह सकते हो. ये भी आप फीचर में लिख सकते हो, इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज पीपल हैव फुल राइट टू क्रिटिसाइज द फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट. हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं गवर्नमेंट फंक्शनिंग को. वेयर एज इन नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री सिटीजन्स कांट क्रिटिसाइज द फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट. कोई भी अपने मोनार्क या डिक्टेटर को क्रिटिसाइज नहीं कर सकता. अगर कोई करेगा तो उसे पर्सन उस पर्सन को जेल भेज दिया जाता है. वेयर एज इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज पीपल कैन क्रिटिसाइज द फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट. कितना लोग क्रिटिसाइज करते हैं डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, आपने अपने आसपास ही देखा होगा लोग कैसे क्रिटिसाइज करते हैं फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट को. कभी भी आपने लोगों को सेटिस्फाइड नहीं देखा होगा, हमेशा लोग आपको दिखेंगे क्रिटिसाइज करते हुए. तो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज में नो राइट्स वर गिवन टू द पीपल टू क्रिटिसाइज द फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट, आप ये भी कह सकते हो. ठीक है, डेमोक्रेटिक कंट्रीज इक्वल राइट्स देती है सिटीजन्स को टू प्रमोट देयर डिग्निटी. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिबल लेजिटिमेट है. वेयर एज नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज वहां पे मोनार्क डिक्टेटर कभी भी अकाउंटेबल नहीं होते, वो कभी भी रेस्पॉन्सिव नहीं होते, कभी भी रेस्पॉन्सिव डिसीजंस नहीं लेते. दे टेक डिसीजंस अकॉर्डिंग टू देयर विशेस, वो क्विक डिसीजंस लेते हैं. डेमोक्रेसी में स्लो डिसीजंस लिए जाते हैं आफ्टर कंसल्टिंग लार्ज नंबर ऑफ द पीपल ऑफ द सोसाइटी. वेयर एज इन नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज क्विक डिसीजंस आर टेकन बाय मोनार्क और डिक्टेटर. Democratic government is legitimate. Representatives are rulers are elected by people through elections. वहाँ पे ऐसे नहीं है. Now is it clear? अभी आपको सारा topic आ गया होगा जो आज मैंने लिखा है. तो I think no problem in this topic. तो learn these two topics. First of all,
what is democracy, its two types, and then features of democracy, and then why it's better. And tomorrow we will next jab aapka period aayega to we will start with accountable, responsive and legitimate. Why it is accountable, responsive and legitimate government?